नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। अयोध्या में भोजपुरी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग करने जनपद में रुकी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के कमरे से कीमती मोबाइल व सोने चांदी के जेवरात गायब हो गए। मामले की जानकारी के बाद हलचल मच गई है। लिखित शिकायत नगर कोतवाली पुलिस को दी गई। छानबीन में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक सांवला संदिग्ध युवक नजर आया, जिसकी शिनाख्त और तलाश के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। जिले में भोजपुरी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग की जा रही है। वर्तमान में देहात क्षेत्र के रसूलाबाद क्षेत्र में शूटिंग चल रही है। शूटिंग को लेकर पहुंचा 60 सदस्यीय दल में से फिल्म के अभिनेता प्रदीप सिंह चिंटू, विलेन अवधेश मिश्र व अभिनेत्री आम्रपाली दुबे सिविल लाइन स्थित होटल शानेवद में रुके हुए थे। बताया गया कि बुधवार की रात चतुर्थ फ्लोर पर स्थित अभिनेत्री के कमरे से 3 मोबाइल और सोने चांदी के जेवरात गायब हो गए। आशंका है कि गलती से डोर लॉक न होने के कारण कमरा खुला रह गया था। अभिनेत्री की ओर से मामले में लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस को दिए जाने के बाद हलचल मच गई है। शिकायत में अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने 3 मोबाइल तथा सोने के कंगन, गले की चैन, 6-7 अंगूठी, नकदी व चांदी के जेवरात गायब होने की बात कही है। छानबीन में जुटी पुलिस ने फ्लोर पर बाहरी लोगों का आवागमन रोककर एक कोने की तलाशी ली और सीसीटीवी फुटेज तलाशा। फुटेज में सांवले रंग का एक संदिग्ध युवक दिखा है। पुलिस उसकी शिनाख्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए चोरों के बीच पिता और पुत्र का संबंध बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक नगर बदवंत सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार हुए दोनों चोरों के पास मिले आईडी प्रूफ के आधार पर उनके एड्रेस की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है तथा पूछताछ जारी है। पवन सिंह, क्राइम रिपोर्टर, अयोध्या। उनके कमरे से सुबह लगभग 6:30 बजे एक संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में रखे हुए कुछ जेवरात और मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, घटना क्रम का छानबीन किया गया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और कुछ सीसीटीवी इसमें प्राप्त हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली। आज लगभग 8:30 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फोन और जो नकदी है वो कहाँ से